सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आपका भी लव फिर से आज ही रहे TH15 की सीरीज में। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई TH15 की सीरीज में हम लोग के बीच यार हैमर जेम आ चुका है, जो की बहुत ही ज्यादा इंतजार था, जो की आप लोग देख सकते हो हैमर जेम। और भाई ये भाई 16 दिन के लिए आया है, मतलब 16 नहीं 17 दिन, आज का भी दिन है तो 17 दिन के लिए आया है। और गाइस यार, अब इसका फायदा कैसे उठाने वाले हैं हम लोग, इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। जो लोग भी एंड अगर आप 15 इस समय अपग्रेड कर रहे हो, और बाकी यार जो लोग हैमर जेम के टाइम नहीं अपग्रेड करोगे उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ओवरऑल देखो यार, अभी हमारा तो 50% ऑफ हो गया है। एंड यार गाइस, जो अगर भाई इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो यार, एंड उनके लिए भी बता रहा हूं कि वो क्या अपग्रेड करे। सो यहां पे मेरा आर्मी कैंप पहला मैच हो चुका है 12 लेवल का। जैसा कि मैंने बोला था कि आर्मी कैंप मैस्ट करता है, 4 बिल्डर मेरी कंप्लीट हो गई थी। और पिछला एपिसोड अगर आप लोग ने नहीं चेकआउट किया तो जाकर चेकआउट कर लेना, आई बटन पे लिंक है। मैंने उसमें स्पेल टावर को लगाया था। तो इस बार हमें क्या लगाना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अभी देखो यार, इसमें हम लोग को क्या करनी है, सभी में टाइम रिड्यूस वाली जितने डिफेंसेज है उसको लगाएंगे। ओवरऑल जैसे कि क्या होता है, जो पहले क्या था, पहले हम लोग यार अर्चर टावर को ही लगाएंगे। एटलीस्ट अर्चर टावर को लगाना क्यों जरूरी है मैं आपको बता, क्योंकि अर्चर टावर का डिफेंसेज में ज्यादा होते हैं। और प्लस ये ना भाई, ये लेते हैं अभी देखो 2 दिन 12 घंटे लग रहे हैं, तो एटलीस्ट यार मुझे 2 ही दिन में ये पूरी की पूरी डिफेंस अपग्रेड हो जाएंगे और मुझे ये करने में ज्यादा टाइम भी एंड नहीं लगेगा। तो मैं इसको बूस्ट यूज करके, मेरे पास यार वॉलिंग मेडल भी है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और फिर वॉलिंग खत्म भी होने वाला है, तो मैं इसका यूज करके अच्छा एंड पोजीशन मतलब अच्छी तरीके से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला एंड 4 बिल्डर खाली है, तो हम लोग यार क्या करेंगे, हीरोज को भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हीरोज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैंने 15 पे आया हूं, तो अभी 90 का ही जाएगा मेरा, 80 की ऑलरेडी हीरोज है, तो 10 ही लेवल अप करने चाहूं तो मैं कर सकता हूं। इसको भी हीरोज पे भी ध्यान दे सकता हूं, बट हीरोज को अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा हीरोज पे किस पे ध्यान देना चाहिए हीरोज। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला चीज, सो अर्चर टावर फोकस कर सकते हैं, एटलीस्ट यार अर्चर टावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट यार गाइस, हम लोग को सबसे पहला मोनोलिथ को एंड करेंगे, क्योंकि 7 दिन ये 2 लेवल का अपग्रेड हो जाएगा, तो इसको हम लोग 7 दिन में अपग्रेड हो जाएगी। तो मोनोलिथ को लगा देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट अटेम्प्ट मोनोलिथ, ठीक है। एंड यार सेकंड अटेम्प्ट आप लोग को मैं बताऊंगा कि अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को क्या चीजें अपग्रेड पे लगानी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यार इन्फानो लगाना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड यार गाइज, इन्फानो के साथ ये 5 दिन में ये भी कंप्लीट जाएगा। तो मेरा देखो ये 5 दिन, ये 10 दिन ले रहा था, तो ये 5 दिन ही लग रहा है। और मैं इसके साथ बूस्टर मारूंगा ना, तो मेरी अच्छी कंपार्टमेंट मतलब तैयार हो जाएगी, तो मैं इसको भी लगा देता हूँ एंड इन्फानो को भी। देन यार गाइज, आप लोग को मैं अभी बताऊंगा आगे क्या करेंगे इसके बाद। यहाँ पे ये भी मैंने लगा दी, एक इसमें और भी चाहिए मुझे, 3 में अभी 2 बिल्डर खाली है, तो मैं लूट कर लेता हूँ और यहाँ पे वॉल भी बना लेता हूँ गाइज। यहाँ पे वॉल भी बनाना, ये सॉरी गाइज, यहाँ पे ये भी तो लगाने हैं, इसको भी लगा लेते हैं। और आज हम लोग लगा लेंगे इसको, रूट राइडर को लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको फिनिश कर ले, मैं सोच रहा हूँ इसको फिनिश ना करूं, ऐसे नहीं है अपने पास पैसे ही नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, चलो रहने दो। बाकी यार मैं यहाँ पे बोनस गुना चल रहा है, तो मैं अटैक करता हूँ और मुझे 2 स्टार लाने हैं। ओके किसी भी भाई, लूट तो इतनी अच्छी मिली, जिसको भी जो लोग भी ट्रॉफी पुश किए हो ना भाई, भाग आओ ट्रॉफी से नीचे। एंड मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि ट्रॉफी से नीचे कर लो, और भाई कसम से बता रहा हूँ 8 लाख 13 लाख 25 लाख 26 लाख लूट के लिए आपको मिल रही है। बाकी मुझे कोई अच्छा लूट मिलता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यार, हम लोग को यहाँ पे लूट मिली है बहुत तगड़ी वाली, और ये लूट देख सकते हो हम लोग को भाई 11 लाख की लूट मिली है, और ये बेस भी बहुत आसान है, तो हम लोग इस बेस का करेंगे करामात। बाकी यार यहाँ से हम लोग को पहले ये बेस छोड़ दूंगा, और भाई 1-2 अर्चर ऐसे छोड़ूंगा। बाकी यार गाइस, 1-2 अर्चर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और ये तोड़ता रहेंगे भाई अच्छी खासी। बाकी बारबेरियन को मैं यहाँ से ही छोड़ूंगा, यहाँ से छोड़ देते हैं बारबेरियन एंड क्वीन को, ठीक है। और इधर से आरसी को छोड़ देते हैं, बट आरसी को थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे, ऐसा आरसी को भी इधर से ही छोड़ते हैं। बाकी गाइस अर्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, कुछ अर्चर को यहाँ पे ऐसे ऐसे, थोड़े लूट भी निकल जाएंगे। और विजार्ड इसके पीछे डाल देता हूँ। अरे यार, 2-2 रेन डाल दिया भाई, बर्बाद कर दिया रेन। अब भाई इसको पुश करेंगे, चलो भाई एसी के टच शॉट आरसी सब कुछ बची हुई है, अच्छा वैल्यू निकालेगी। ओके भाई, यहाँ पे पॉइजन वॉइजन पता नहीं किस चीज के लिए बना था,
क्वीन मेरी खुल चुकी है, बार वेडियन आ चुका है, हॉक राइडर अपना निकाल देगा पूरे बेस को, सिंगल इन्फानो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, क्वीन अच्छा निकालेगी अपने अकाउंट पर। तो ये भाई पूरे 3 स्टार हो गई, और मुझे अगेन अटैक जो करूंगा ना उसमें मुझे एंड पूरी पूरी एंड मदद मिलेगी इस अटैक की शर्जी से, क्योंकि यार मुझे 1 स्टार एक्स्ट्रा मिल चुका है, और मुझे यार बोनस मेरा बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं मुझे बोनस गुना से, और उससे मुझे बहुत सारे डिफेंस अपग्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, 11 लाख लूट भी मिल चुकी है, देखो 37 लाख इधर से मिला, और भाई एक और बोनस जिसके लिए हम लोग यार इजिली हम लोग निकालेंगे बाघेर गाइस, यहाँ पे इसको हम लोग बना लेते हैं। इतना पैसे इनफ होंगे आई थिंक, मैं देख लेता हूँ, इतने पैसे तो इनफ होंगे। बाकी यहाँ पे अभी देख रहे हो अभी ये बूस्टर वाला सीन चल रहा है गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्डअप पोर्शन में ये कब खत्म होगा, इतने दिन बाद खत्म हो जाएंगे बूस्टर वाले। अरे किस पे जाओ, इस पे दिख लेते हो, 4 घंटे बाद ये बूस्टर वाले खत्म हो जाएंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा 4 घंटे बाद, तो मुझे एक अटैक कर लेनी चाहिए यार, वरना मेरी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो फाइनली गाइज हम लोग ने बहुत सारी लूट कर ली है, और यहाँ पे लूट करके देख रहे हो पैसे ही पैसे है, तो अभी मेरे पास यार इतना पैसे हो गए हर चीज लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये भी लगा दिया, पैसे उतने है नहीं यहाँ पे जो कि मैं लगा पाऊ, 13 लाख ही देख रहे हो इतने है, तो इसके लिए अलावा मैं यहाँ पे अगर मैं करूँ तो कुछ फिनिश करके लगा सकता हूँ, रूट राइडर को फिनिश कर लेता हूँ, 5 दिन के अंदर फिनिश हो रही है, बाकी मैं इसको मैक्स कर लेता हूँ, यदि के जगह मैं इलेक्ट्रो टाइटन मैक्स हो चुकी है, मुझे वल्केरी मैक्स कर लेना चाहिए, मैं यति को लगा लेता हूँ, एंड यति मेरे लिए मोस्ट होता है, यति मैं कर लेता हूँ, यति मैंने लगा दिया। बाकी यार गाइस यहाँ पे रिसोर्सेज, और यहाँ पे एक मैंने वॉल भी बना देता हूँ, एक और वॉल बन जाएगा, मेरा रूट राइडर भी मैक्स हो चुका, सब कुछ मैक्स हो चुकी है, इन्फानो मैंने लगाया, इन्फानो मेरे अभी एक और बाकी है, तो इन्फानो को मैं एक और लगा सकता हूँ, और इसके लिए मुझे पैसे थोड़े चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इनफ लूट करूंगा, और इनफ लूट करने के बाद मैं इसको एंड लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं इनफ लगा देता हूँ, यही यार गाइस मुझे ये लगाना बहुत जरूरी है, मैंने सारे के सारे इनफ, और आज के में देखो आज का मैंने टारगेट मैंने बताया मोनोलिथ और इन्फानो, और ये मैक्सिमम कितने दिन में अब खत्म होंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 दिन का दिखा रहा है, 5 दिन 6 दिन का ये दिखा रहा है, 7 दिन का, तो अब हम लोग इस पे बूस्टर यूज करने वाले हैं, टोटल बूस्टर, बूस्टर कहां से कर देंगे, मेडल कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये उठा लेंगे, 1 2 3 4 5 5 मेडल, एंड मतलब 2 दिन माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 और भाई 5 5 10 मतलब 150 120 में मिल रहा है, तो 240 हम लोग खत्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ठीक है इनफ मैंने, और यहाँ पे भी मतलब कि मैक्सिमम 1 दिन के अंदर हम लोग ये पूरा खत्म कर देंगे भाई। तो मैंने यहाँ पे 10 घंटे का दिखाया, 10 घंटे में मैक्सिमम 10 का मतलब 10 गुना कर लो, तो मैक्सिमम ये 5 दिन वाले जितने भी डिफेंसेज हैं 10 घंटे बाद खत्म हो जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो और भी दे दूंगा आप लोग को, मतलब की मतलब 24 घंटे के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एंड यार गाइज उसमें हम लोग लगाएंगे भाई आर्चर टावर, गाइज आर्चर टावर नहीं तो एक्सपो, देखेंगे क्या लगाना है, अगर आर्चर टावर एक्सपो को लगा देंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि आर्चर टावर मेरे लिए मोस्ट होगी, अगर आर्चर टावर मैक्स कर लिया तो मेरे लिए ऑप्शन होगी, मुझे वॉल अपग्रेड करने का मौका मिल जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेडल को यूज कर रहा हूँ, और कहाँ यूज कर रहा हूँ ये आप लोग देख ही रहो, लूट करना पड़ेगा, कंटिन्यू खेलना पड़ेगा आप लोग को। सो ओवरऑल आज के लिए बस यही था, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी हैमर जेम को यूज कैसे करना है, हैमर जेम इवेंट को कैसे यूज करिए वो मैं बताया, आप लोग यार ये चीज को लेकर फिनिश मत करिएगा, अगर आप लोग यार सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप इस चीज को लेकर यूज करते हो तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ आपका माइनस पॉइंट है, आपको पहले 120 में खत्म हो जाएगा, बाकी यार 120 में एक डिफेंस ही मैक्स हो पाएगा, यहाँ पे आपको भाई 120 में आपको भाई 5 डिफेंस 6 डिफेंस आपके मतलब हो रहे हैं कम, मतलब 2 दिन 6 डिफेंस मतलब 6 दिन मतलब 12 दिन आपके कम हो रहे हैं, तो मतलब ये बेस्ट है कि आपका वो बेस्ट है, आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। बाकी गाइस आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगला हम लोग क्या अपग्रेड करेंगे वो अगले एपिसोड में बताएंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।